पाकिस्तान में भी जानते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है उस दफ्तर के अंदर और दफ्तर के बाहर क्या गहमा गहमी। उस्मान जावेद मलिक नुमाइंदा समा हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, और नतज के हवाले से कुछ उसवी के हवाले से भी शिकायत आ रही थी, यहाँ पर इजलास भी हुआ रात गए, तो क्या मनाजिर आपने देखे, क्या सूरत हाल देखी, अभी क्या देख रहे हैं? देखिए, इंतखाबात का जो नतीजे हैं उसमें सुस्त रवि का शिकार है, और जो इलेक्शन कमीशन में जो मीडिया वॉल लगी हुई है वहाँ पर नतीजे जो हैं वो डिस्प्ले किए जा रहे हैं, और अब तक 103 कौमी और सूबाई असम्बलियों के नतीजे का ऐलान किया गया है। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से हमारी कुछ देर कबल गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा था कि कुछ सुस्त रवि का शिकार है अमला, क्योंकि जो नतीजे उनको मौसूल हो रहे हैं वो अपलोड होने में अमले की जानिब से सुस्त रवि दिखाई जा रही है। जो 103 कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो नतीजे हैं उसकी अगर हम बात करें तो पंजाब असम्बली के 13 हलकों के नतीजे अब तक मौसूल हुए हैं। 13 हलकों में PMLN ने 8 आज़ाद उम्मीदवार, 3 और मुस्लिम लीग काफ ने 2 नशस्तें जीतने में कामयाब हुई, जबकि सिंध असम्बली की अब तक 28 नशस्तों के नतीजे का ऐलान किया गया और 28 की 28 जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब हुई है। इसके साथ साथ अगर खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली की बात की जाए तो वहाँ पर अब तक 39 सूबाई असम्बलियों के नतीजे का ऐलान किया गया है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 36 नशस्तें जीतने में कामयाब हुए हैं। उलमाए इस्लाम पाकिस्तान 1 और मुस्लिम लीग नून जो है वो 2 नशस्तें जीतने में कामयाब हुई है। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली के हल्के का भी नतीजा मौसूल हुआ है, जिसमें JUIP ने बलूचिस्तान से 1 नशिस्त जीतने में कामयाब हुई है। अच्छा उस्मान, मुझे बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर जो रिजल्ट्स हैं वो क्या मौसूल हो गए हुए हैं, या अभी ये सिलसिला जारी है, जरा ये भी साथ साथ बता दें। देखें, जो जो नतायज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो रहे हैं, ये बेसिकली ये जो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जो नतायज मुकम्मल किए जा रहे हैं वो नतायज जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान EMS यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो नतायज हैं वो अपलोड करने का सिलसिला जारी है। कौमी और सूबाई जी बिल्कुल, EMS का सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, थोड़ा मुतासर नहीं हुआ था, क्योंकि जो EMS का सिस्टम था वो इब्तदाई तौर पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो बेसिक यूनिट था, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से जो हल्के जो मतलूबा जो पोलिंग स्टेशन था उसका नतीजा बजरिया इंटरनेट अपलोड करना था EMS के ऊपर, और फिर क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की बंदिश की वजह से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इंटरनेट की सहूलत ना होने की वजह से वो रिजल्ट अपलोड नहीं कर सके थे। ये इस तरह की शिकायत मौसूल होती रही। उस्मान, आपने अपडेट किया, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे इस हवाले से। इसका फिलहाल बहुत शुक्रिया।